ये देखिए, चौथे दिन में मेरी पूरी ये लेज़र की पूरी स्किन जो है निकल चुकी है, आपको दिख रहा है। लेकिन हाँ, अभी श्रिंक हो रहा है, लेकिन मुझे जो डॉक्टर ने ट्यू और जो कि मॉइस्चराइज़र दिया, उससे मेरी स्किन इतनी श्रिंक नहीं होती है। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे लेज़र के बारे में और मुझे डॉक्टर ने क्या क्या दिया है लेज़र थेरेपी करने के बाद मेरे मेलाज़मा के लिए, मेरे फेस के लिए, वो मैं सभी आपको आज बताने वाली हूँ। तो गाइज, जब भी आप लेज़र करने जाते हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि लेज़र में पेन नहीं होता। लेज़र में पेन होता है, शून्य किया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पेन होगा। जैसे मैं बता देती हूँ आपको पेन कैसा होता है। जैसे आपने कभी देखा है ना, जो रबड़ होती है ना, रबड़ जो प्लास्टिक की रबड़ आती है, जैसे हम पैकेट वगैरह बांधते हैं, उस तरह के चटाक जो मारते हैं ना, वैसे ही पूरा सेम फेस में पड़ता है। ठीक है, तो मेरा तो हल्का ही था फिर भी, लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है, मेरे दाग दिख रहे हैं। लेज़र मतलब ट्रीटमेंट लेज़र करने के बाद भी मुझे मेरे दाग अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे ये ट्यू है डैपी वाइट और ये है डैपी वाइट, ये दोनों ही है। ये डॉक्टर रेड्डी का ACM डैपी वाइट है, आपको दिख रहा होगा, और ये है डैपी वाइट क्रीम, ये भी डॉक्टर रेड्डी का ही है। लेकिन ये मुझे मॉर्निंग में यूज़ करनी है और ये मुझे नाइट में यूज़ करनी है। और इसके साथ मुझे ये मॉइस्चराइजर दिया गया है, मतलब इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है। अब आपके डॉक्टर आपको क्या रिक्वायरमेंट करता है, आप वही लगाना। तो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे ये रिक्वायरमेंट किया गया है, तो मतलब मैं जब भी ये दोनों यूज़ करती हूँ तो मुझे ये मॉइस्चराइजर मिलाना ही पड़ता है इसमें। और सबसे पहले मॉइस्चराइज़र मतलब कि मुझे ये सब चीज़ें लगाने से पहले, ये मुझे उन्होंने एक फेस वॉश दिया है BMJ नियो का, आपको देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें ना झाग जैसा आता है, उसको थोड़ा सा हाथ पर लेकर अच्छे से रब करना है, अच्छे से मतलब उसको अच्छे से सर्कुलेशन मोशन में उसको क्लीन करना है। उसके बाद हमें ये क्रीम अप्लाई करनी है। और गाइस, अगर आप कभी भी अगर आपको मेलाज़मा है, तो डॉक्टर ने मुझे ये एस ब्लॉक गोल्ड का वो लिखा है, क्या कहते हैं, क्या ये सनस्क्रीन है, सॉरी, तो ये उन्होंने मुझे लिखा हुआ है क्यों, ताकि हमारे स्किन का जो मेलाज़मा है ना, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, धूप से बचाएगा। तो आप इसको ज़रूर लगाना। तो आपके डॉक्टर ने आपको क्या रिक्वायरमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने फेस पर ये सब चीज़ें लगाना। बिना डॉक्टर की सलाह से डैपी वाइट बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। मैं आपको पहले बोल देती हूँ, ये बहुत डेंजर है। डॉक्टर आपको क्या रिक्वायरमेंट करेगा, मुझे ये मॉइस्चराइज़र, ये क्रीम उसके साथ दिया है मिला के लगाने के लिए, और मुझे ये बोला है सिर्फ 1 मंथ लगाने के लिए, 2 मंथ या 1 मंथ। लेकिन 1 मंथ में कितना फ़र्क आता है वो तो डॉक्टर ही बताएंगे गाइस। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।